केन्द्र शासित प्रदेश दमण 1961 में पोर्टुगीज शासन में मुक्त थया बाद दर वर्षे 19 डिसेम्बरे दमण दीव मुक्ति दिवस की उजवणी करवामां आवे छे। आ वर्षे पण तेनी उजवणी प्रशासन द्वारा करवामां आव्या बाद भाजप पक्ष द्वारा पार्टी कार्यालय खाते प्रदेश अध्यक्ष हस्ते तिरंगा ने सलामी आपी मुक्ति दिवस की उजवणी करवामां आवी हती, जेमां कार्यकरो अने सांसद मास्क पहेर्या विना ज उपस्थित रह्या हता। समग्र मामले प्रदेश अध्यक्षे भूल स्वीकारी हती तो सांसदे दमण कोरोना मुक्त होवानो अने कोरोना थी डरीने जीववा करता बाहोश बनीने जीवन जीववानी सूफियाणी सलाह आपी हती। दमणना 60मां मुक्ति दिवस निमित्ते दमणमां भाजप कार्यालय खाते प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल राष्ट्रध्वज ने सलामी आपी मुक्ति दिवस की शुभकामना पाठवी हती। मुक्ति दिवस कार्यक्रम प्रसंगे सांसद लालूभाई पटेल तथा अन्य पदाधिकारी कार्यकरो मोटी संख्या में उपस्थित रहा था। कार्यक्रम में उपस्थित मोटा भागना कार्यकरो और सांसद पार्टी खेस पहेरीने आव्या हता, परंतु कोरोना गाइडलाइन ने विसरी मास्क पहेरवानो तेमज सोशल डिस्टन्स जाळवानो भूली गया हता। कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल सहित महानुभावे भाजप सरकार संघ प्रदेश की अनेक गणी प्रगति होवानी वात करी हती। आगामी दिवसों में प्रदेश ने प्रगति पंथे लई जवानी नेम व्यक्त करी हती, ज्यारे कोरोना धजागरा उड़ाड़ी मास्क पहेर्या विना ज आवेला कार्यकरो कार्यक्रम में सोशल डिस्टन्स पण जाळव्युं न होय ए अंगे प्रदेश अध्यक्षे पोतानी भूल स्वीकारी आगामी कार्यक्रमों में आ नियमों ने याद राखीने कार्यक्रमो करशुं तेवुं जणाव्युं हतुं। ज्यारे बीजी तरफ तो सांसद लालूभाई पटेले मास्क अंगे जणाव्युं हतुं के मास्क पहेरवुं जरूरी छे, परंतु दमण कोरोना मुक्त छे, अहीं कोरोना ने एटलो केर नथी एटले लोकोए पण डरी डरीने जीववा करता बाहोश बनी तेमनो सामनो करवो जोईए तेवी सूफियाणी सलाह आपी हती। के अवसर पर हम जोरदार तालियों से सबका धन्यवाद करेंगे कि हमारे पुरुषों ने, हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने जिन्होंने हमें ये आजादी दिलाई। आपने अगर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में कोई गए होंगे वहाँ पे भी बन चुका है, यह एरोली पार्क बिगेस्ट इन इंडिया है, लेकिन जो दमन में बनने वाला है वो बिगेस्ट इन हमारे दमन दीव दादानगर में लिखी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं जो पालन करने पड़ते हैं, और फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट देखते ब्लू फ्लैग है वही वो टूरिस्ट आते हैं। हाल ही में जम्मू में जब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं जो पालन करने पड़ते हैं, और फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट देखते ब्लू फ्लैग है वही वो टूरिस्ट आते हैं। सभी राष्ट्र के जो भी हमारे नागरिक है, जो नीडी पीपल है, उससे उस तक हम पहुंचे और वो ये दमन हम सब पढ़ने